गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक हियर। आई होप ऑल आर वेल। एंड टुडे वर लास्ट लेक्चर स्टूडेंट, चैप्टर 4, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। नाउ स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट, टुडे टॉपिक फॉर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। फर्स्टली स्टूडेंट, के नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट किस तरीके से होता है, नाउ सी। फर्स्टली एनी वन हु इज वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। And the only difference to be a voter is that a minimum age or is 18 year. And while to be candidate in election, the minimum age is 25 years. So it is clear that ki only difference in order to the candidate minimum age is 25 years and 18 year is being a voter. So person has to fill nomination form. जो person जो candidate है, जो खड़ा हो रहा है, वो एक फॉर्म फिल करेगा और कुछ गिवन अ मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा, मनी देगा। एंड ही हैज़ टू लीगल डिक्रेशन, और उनसे एक लीगल डिक्रेशन लिया जाएगा कि वो नॉमिनेशन जो कैंडिडेट का हो रहा है उसकी पूरी फुल डिटेल एक डिपॉजिट होती है। क्या क्या चीज़ें डिक्लेरेशन में होती है स्टूडेंट, डिटेल ली जाती है। फर्स्टली के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, educational qualification of the candidate and detail of the assets and liabilities of the candidate and his या her family. Student means कि उसकी qualification check की जाती है candidate की, और detail लिया जाता है कि उसके पास assets में कितनी उसकी property है, क्या है liabilities, उसके ऊपर कोई responsibility तो नहीं है, loan तो नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें check किया जाता है। और क्रिमिनल केसेस तो नहीं है बहुत लंबे टाइम तक, इसके अगेंस्ट में लॉ ये कहती है कि ऐसे कैंडिडेट को नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें चेक होती हैं। तो फुल्ली इंफॉर्मेशन हैज़ टू मेड द पब्लिक एंड दिस प्रोवाइड एज ऑपर्चुनिटी टू बी वोटर्स टू मेक देयर डिसीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली एक कैंडिडेट की सारी इंफॉर्मेशन लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लिया जाता है, और इस तरीके से नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट चूज किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, इलेक्शंस कैंपेजन। स्टूडेंट, इलेक्शन कैंपेजन में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेजन मींस क्या हो। टू प्रमोट फॉर प्रोपोगंडा, इट मींस प्रोपोगंडा करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, ऑफ द पॉलिसीज, ऑफर्स देना, प्रोमिसज बताना। क्योंकि कोई भी इलेक्शन में खड़ा होगा क्योंकि वो अपने ऑफर्स को बताएगा, अपनी पॉलिसीज बताएगा, प्रोमिसज। तो डैट द वे ऑफ कैंडिडेट मेक टू वोटर्स टू फुलफिल इफ दे आर इलेक्टेड। आई एम ऑलरेडी डिस्कस द स्टोरी फॉर हरियाणा असेंबली, देवीलाल ने जो प्रोमिस किया उसके अकॉर्डिंग लोगों ने इसको सपोर्ट किया। तो सेम एज यहाँ पर भी वही चीज़ है, इलेक्शन कैंपेन में अपने वोटर्स अपनी फुलफिल करते हैं, अपनी नीड्स को बताते हैं और उनकी अपनी पॉलिसीज और अपने प्रोमिसज को वो लोगों के बीच में बताते हैं। तो इन दिस वे ऑफ वोटर कैन डिसाइड द कैंडिडेट टू वोट फॉर, दे वोट फॉर द कैंडिडेट हुज पॉलिसीज दे लाइक। अब इससे ये होता है लोग चूज कर लेते हैं, हाँ ये हमारे अकॉर्डिंग है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये बीजेपी नहीं अच्छी है, कुछ कांग्रेस, इस तरीके की लोगों को एक उनके पास ऑप्शंस आते हैं और फिर वो अपने प्रोमिसेस जिसके वो लगता है कि ये नीडेड है, और अगर वोटिंग से वो सपोर्ट कर जाते हैं तो उस तरीके से वो पार्टी हमारे बीच में आ जाती। तो इन कंट्रीज सच अ कैंपेजन टेक प्लेस फॉर 2 वीक्स पीरियड, कितने हाउ मेनी पीरियड्स, 2 वीक्स पीरियड, एंड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑफ पुलिंग। तो इस तरीके से इन कंट्री इलेक्शन कैंपेजन होता है, टेक प्लेस फॉर 2 वीक्स पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट, अपना एक इस तरीके से एक फाइनलाइज्ड होती है, लिस्ट निकाली जाती है कैंडिडेट का, डेट और सारी चीज़ें, एक पुलिंग की जाती है स्टूडेंट। और इस तरीके से ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर इलेक्टोरेट एंड पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मोबिलाइज द सपोर्टर, सब तरीके से सारी चीज़ें मीटिंग्स में हर चीज़ डिस्कस होता है। एंड दिस द वे ऑफ वर्किंग फॉर इलेक्शन कैंपेन। और इस पीरियड में व्हेन प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न न्यूज़ फुल इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं उनके। स्टूडेंट, आई एम ऑलरेडी डिस्कस द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड नाउ लास्ट टॉपिक फॉर डिस्कस इलेक्शन कैंपेन।
In our country, such campaign take place for 2 weeks period between announcement of final list of candidate and date of polling. It is necessary to regulate campaign to ensure that every party and candidate gets fair and equal chance to compete. But according to our election law, no party for candidate can. यहाँ पर ये भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या चीज़ देखी जाती है स्टूडेंट लॉ में बनाए गए हैं कि जैसे ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, ऐसे तो नहीं है कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो मसल पावर से आके खड़े हो रहे हैं, अपील टू देम द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, क्योंकि हमारी इंडिया सेकुलर है उस बेसिस पे है कि नहीं, कुछ इस तरीके के अपील तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक होता है. एंड यूज़ द गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन, ऐसा तो नहीं है कुछ इलेक्शंस में जो खड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट के रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो ये भी गलत है कि कोई एक पार्टी का फेवर हो रहा है दूसरे के नहीं, तो ये सारी चीज़ों का भी चेक किया जाता है. और एक इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे स्टूडेंट कि स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन अ कंस्टेंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन अ कंस्टेंसी इन एन असेंबली इलेक्शन. एंड फर्स्टली यहाँ पर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है स्टूडेंट, तो इफ दे सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोड एंड आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड इन द एडिशनल ऑफ द लॉ. तो ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आर कंट्री हैव एग्रीड टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो मॉडल ऑफ कंडक्ट कोड में स्टूडेंट कुछ इलेक्शंस के कैंपेन के आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग ये होता है कि क्या चीज़ होना है क्या चीज़, तो रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए उसको फॉलो करना रहता है. तो जैसे एक लाइक एग्जांपल, क्या डिवीज़न है, कैसी प्रिपरेशन हो रही है वोटर लिस्ट की वो चेक किया जाता है, क्या नॉमिनेशन है, इलेक्शन कैंपेन कैसे हो रहे हैं, पुलिंग डे कैसा बन क्या डे है, काउंटिंग वोट्स है, डिक्लेरेशन रिजल्ट, और ये सारी चीज़ों को पूरी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में देखा जाता है. कोई ऐसे तो नहीं है जो यूज़ एनी प्लेस फॉर वर्शिप और इलेक्शन प्रोपोगंडा कर रहे हैं, या यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एयरक्राफ्ट ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, और वंस इलेक्शन आर अनाउंस कि मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स एंड एनी प्रोजेक्ट टेक एनी बिग पॉलिसीज डिसीजन मेक एनी प्रोमिसज प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, तो ये सारी चीज़ें चेक किया जाता है और देखा जाता है. और दूसरी चीज़ की जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है उस रूल एंड रेगुलेशंस को वहाँ पे जो भी पार्टी है वो उस चीज़ को अकॉर्डिंग वर्क करती है, जो उसके रूल एंड रेगुलेशन में एक्सेप्टेंस है जो बनाया गया है वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है. तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया. नाउ स्टार्ट नाउ स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक, चैप्टर कंप्लीटेड. व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन. फर्स्टली स्टूडेंट के दे आर मेनी फैक्टर विच इंश्योर दैट इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया आर डेमोक्रेसी. इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. तो स्टूडेंट फर्स्टली कि आवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड अ वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन एंड इट एंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दैट द जुडिशरी एंजॉय. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आफ्टर अपॉइंटमेंट सीईसी मतलब स्टूडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू इवन द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट. तो स्टूडेंट आर यू नो डेट कि पावर इज इंजॉय बाय द इलेक्शन कमीशन आर बिकॉज इन टेक अ डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन. गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन इलेक्शन ड्यूटी वर्क, अगर इलेक्शन ड्यूटी टाइम पीरियड में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का अगर ट्रांसफर भी हो रहा है तो अंडर द कंट्रोल ऑफ कौन कंट्रोल करेगा, इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट. तो सारी चीज़ों को कौन चेक करेगा जिस टाइम पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन चेक करेगा. इलेक्शन कमीशन ही अपना डिसीजन लेगा नॉट द गवर्नमेंट. एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन टू प्रिवेंट एंड यूज द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू इनहांस इट चांसेस टू विन इलेक्शन और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल. जैसा कि अभी मैंने फिर से बताया कि सारा पावर जो भी उस टाइम पे होगा वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन नॉट द गवर्नमेंट. तो इफ इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन दैट पुलिंग वॉज नॉट फेयर इन सम बूथ, अगर किसी जगह किसी बूथ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है तो इवन इंटायर कंस्टेंसी दे आर ऑर्डर रिपॉल, फिर से वहाँ पर दोबारा से इलेक्शन होते हैं. और आपने सुना भी है कि अगर कहीं पे रद्द हो जाता है तो इलेक्शन फिर से होता है.
तो यहाँ पर आपने टॉपिक क्लियर हो गई कि इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन किस तरीके से अपने पावर को देखा आपने कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेट। दूसरा स्टेप में आप बात करेंगे हम सेकंड की पॉपुलर पार्टिसिपेशन, किस तरीके से पॉपुलर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है। तो इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस नॉट फ्री एंड फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। इट मीन्स कि स्टूडेंट की पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इज यूजली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट द फिगर एंड टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट एंड देयर वोट। इन इंडिया देयर इज ग्रेटर वोटर टर्नआउट ऑफ पुअर इलिटरेट पीपल एज कम्पेयर टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। इट मीन्स स्टूडेंट कि आपने चैप्टर नंबर थर्ड में हमने पढ़ाया था आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का मेन मोटिव क्या था कि ट्रस्ट बिल्ड करना। सबसे मेन क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। तो हमारे बीच में जब ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन होता है तो हमने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी आती है और क्यों इलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो यहाँ पर हम इंडिया के केसेस में बताएंगे स्टूडेंट कि इंडिया के केस में क्या है कि इंडिया को ये ट्रस्ट है कि जिसको हम वोट देंगे और वो फ्री एंड फेयर है कि वही वो जीतेगा, उनको ये इस तरीके का बहुत मतलब कॉन्फिडेंस है और वो इस तरीके का उनके अंदर ट्रस्ट है। इसलिए आपने देखा है कि इंक्रीज ही हो रहा है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन हर साल बढ़ रहा है। तो इफ़ इलेक्शन प्रोसेस नॉट फ्री और फेयर, मतलब कि अगर हम जिसको वोट देना चाहते हैं वोट जिसको हम देंगे वही पार्टी विन होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये आपने अगर देखा है कि हरियाणा असेंबली में भी यही चीज़ थी कि देवीलाल जीते और जब लोगों ने नहीं सपोर्ट किया तो देवीलाल नहीं जीते, और उसके बाद आपने देखा कि अगेन कांग्रेस आई। तो आपने इंडिया के केसेस में इस चीज़ को आई थिंक समझ लिया कि किस तरीके से प्रोसेस होता है हमारे इलेक्शन में। अब नाउ आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम मींस कि जो इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर ऑफ आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल एंड यूजली लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिजल्ट इलेक्शन, द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज एन इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल लेवल चाहे स्टेट लेवल एंड कैंडिडेट हु आर नोन एज हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड बाइंग वोट्स दोज विन नोन एज क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन एक्सपेक्ट द डिस्प्यूटेड इलेक्शन इलेक्ट्रल आउटकम आर यूजली एक्सेप्टेड बाई डिफीटेड पार्टी एज पीपल वर्डे। इट मीन्स स्टूडेंट की एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम की क्रिटिज्म नहीं करना है, कोई हारा हो चाहे जीता हो जो भी है हम उस इलेक्शन में हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उनको इस तरीके का फेवर करेंगे और उनको जो हमारे लिए मतलब आया है उसी को हम उस पार्टी की हर बात हर पॉलिसीज़ को मानेंगे। यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस निकलता है इस इलेक्शन आउटकम में कि हमें किसी की क्रिटिज़म नहीं करना है चाहे वो लूजिंग पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो। ओके, नाउ लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। स्टूडेंट चैलेंजेस फ्री एंड फेयर इलेक्शन इट मींस कि फॉलो क्या होता है, सबसे पहले कि कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इट मींस कि स्टूडेंट कि मनी एंड मसल पावर्स तो नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। दूसरा फेक न्यूज़, यूजेज ऑफ सोशल मीडिया सेंडिंग द प्रोपोगंडा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, इलेक्शन ऑफर ओनली लिटिल चॉइस और ऑर्डिनरी सिटीजन, ऑल द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट द पॉलिटिकल पार्टीज, टेंडेंसी फॉर डायनेस्टिक रूल इज़ वेरी कॉमन। आपको पता है डायनेस्टिक रूल क्या था, एंड नाउ सम कैंडिडेट विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आर एबल टू सिक्योर पार्टी टिकट्स। ऐसा तो नहीं है कि उसे गलत तरीके से कोई था जिसे वोट मिल गया हो या जिसे टिकट मिल गया हो, इस तरीके से चेक किया जाता है। ये सारे चैलेंजेस हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। तो दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी स्टेब्लिश डेमोक्रेसी। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए सारी चीज़ें आपने देखा कि इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होना चाहिए, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन में मेन मनी एंड मसल पावर, फेक न्यूज़, यूजेस ऑफ सोशल मीडिया फॉर सेंडिंग द प्रोपोगंडा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। इट मींस कि इलेक्शन ऑफर ओनली लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, ऑल द मेजर पार्टीज क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस।
तो डिसएडवांटेज एडवांटेज सारी चीज़ों को देखना, ये मेरा मतलब आपने देखा इस चैप्टर का सबसे मेन पर्पस है, लास्ट टॉपिक चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नाउ थैंक यू स्टूडेंट।